हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो को वीडियो पर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन है कंपनी कैन नॉट इशू एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स रेडिमेबल शेयर्स रिडिमेबल रिवेंचर्स या फिर नन ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है रिडिमेबल इक्वी शेयर्स एक कंपनी रिडिमेबल इक्वटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है नेक्स्ट है दैल्यू द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ अब जो शेयर uh, की जो फेयर uh, वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का इंट्रेंसिक और पार वैल्यू का इंटरेन्सिक वैल्यू और ईल्ड वैल्यू या फिर पार वैल्यू एंड इंड वैल्यू की तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है तो ये होती है इंटेंसिक वैल्यू और ईल्ड वैल्यू का एवरेज जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू एंड इंड वैल्यू नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना इंक्रीज और डिक्रीज इन असिट्स देखना इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज देखना या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा और ना ही असेट्स को देखना लाइबिलिटीज़ को देखना यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इसमें वर्किंग कैपिटल देखी जाती है यानी कि दो वॉक बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं ठीक है एक स्टार्टिंग की और एक एंड की यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग दो बैलेंस शीट देखी जाती है टू ईयर की फिर वहाँ पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है तो यहां पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिवरेज रेशो अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है डेट इक्विटी रेशो को करेंट रेशो ऑपरेटिंग रेशो या फिर इन्वेंट्री रेशो को तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है ये हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टैक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि टैक्विटी रेशियो जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है आरओआई मेथड सो फॉर ऑल प्रॉफिटेबिलिटी लो गेयरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गेयरिंग या फिर ऑल ऑफ दीस तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डायरेट इक्विटी रेशो को हम सॉल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको मेज़र करने के काम आता है आर मेजर करता है हमारे यानी कि आर की फुल फॉर्म क्या होती है आ, यहाँ पर आपको इसको बताना है ठीक है कॉमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है फिर आता है यहाँ पर लो गेयरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गेयरिंग जो हमारा गेयरिंग रेशो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय अब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेटेड होते हैं देखो ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे आप उसी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं देखिए ऑप्शंस में है रेट ऑफ रिटर्न लिक्विड रेशो इक्विटी रेशो और कैपिटल गेयरिंग रेशो तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जिसको सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आर वाई रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर फॉलोइंग आर वाई रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विड पोजिशन ऑफ बिजनेस या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एंड सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा आर ओ आई रेशियो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट अ पोटेंशियल यूज ऑफ वॉकिंग कैपिटल अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वॉकिंग कैपिटल के यूज में आते हैं उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं गुड सेल ऑफ ऑफ एट लॉस लॉस या या फिर फिर नेट फ्रॉम शेयर तो देखें यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता है हमारा वर्किंग कैपिटल से पेमेंट ऑफ वेजेस पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो यहाँ पर वॉकिंग कैपिटल से बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये हमारा वॉकिंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं

कुड बिल तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परचेज ऑफ फर्नीचर ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स ऑप्शंस देखिए परचेज ऑफ मशीनरी प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इश्यू ऑफ शेयर या फिर लॉन्ग टर्म रेस्ड लोन रेस्ड अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फ़ंड यहाँ पे नहीं है फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाए परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है जबकि प्रॉफिट अर्नड भी हमारा सोर्स बता रहा है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा और लॉन्ग टर्म लोन रेस करने से भी फंड आएगा इसलिए ऑप्शन पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना वो होगा वो किसके बराबर होगा इक्वल टू तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेट प्रॉफिट प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असीट्स करेंगे तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यानी कि अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या कहा जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर नन ऑफ तीस तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन बी राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स असेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट द इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर all of these. तो पे इसका होगा option number D, जो कि हमारा बैलेंस शीट भी शो करता है इनकम स्टेटमेंट भी और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा Next है विच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अब क्लासिफिकेशन कौन सा है करंट असेट्स फिक्स असेट फिक्स टी असेट्स एंड कंटेंजेंट असेट्स या फिर ऑल ऑफ दिस अगेन ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे असेट्स के नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स नोन एज अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या असेट्स वो क्या कहलाते हैं करंट करंट्स को बोलते हैं डेफर्ट एक्सपेंडिचर क्लोडिंग एक्सपेंडिचर या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टीसीट्स की तो राइट आंसर होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर जिसको हम फिकटीसी भी कहते हैं ऑप्शन भी राइट है नेक्स्ट है कंसिस्ट फिकटीसी फिक्टीसीट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है एक्सपेंसेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दीज तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो की है ऑल ऑफ दीज ये सारी चीज़ें हमारे फिटीसीट्स का पार्ट होती हैं तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय